नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय राय है और आज मैं फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, राइट। तो जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, मैं आपको बता दूं, साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है और वो एग्ज़ाम डेट होती है 6 जनवरी को। हर साल सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। और जो बच्चा आपका 5th क्लास में होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका बच्चा 5th क्लास में होता है उसी साल जनवरी में 6 तारीख को बच्चा आपका एलिजिबल है एग्ज़ाम पेपर देने के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब आपका बच्चा जो सेकंड चांस मिलता है, सैनिक स्कूल में आपको 2 मौके मिलते हैं। एक मौका मिलता है आपको 5th क्लास में और एक मौका मिलता है आपको 8th क्लास में। जब आपका बच्चा 8th क्लास में जाएगा तो उसका पेपर फिर से दोबारा होगा 6 जनवरी को। लेकिन इसी में एक ट्विस्ट है, एक मौका और मिलता है। वो मौका आपको मिलता है सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए। आपने नगरोटा का नाम सुना होगा, जम्मू में ये स्कूल है। इसको थोड़ा सा अलग कैटेगरी में माना जाता है क्योंकि आपको पता है कि जम्मू में जो जनवरी के टाइम में एग्ज़ाम्स वगैरह पेपर कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला है कि जम्मू में जो सैनिक स्कूल है जिसका नाम है सैनिक स्कूल नगरोटा, उसका जो पेपर होता है वो हर साल, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए जो पेपर होता है वो हर साल 15 अप्रैल को होता है, ठीक है जी। तो आप ये लगाइए कि बच्चे को 5th में भी 2 चांस मिल रहे हैं, एक 6 जनवरी को और एक 15 अप्रैल को। और जब आपका बच्चा 8th क्लास में जाएगा तो फिर से उसको 2 चांस मिलेंगे, एक चांस मिलेगा उसको 6 जनवरी को और एक चांस उसको मिलेगा 15 जनवरी को सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो वाइंड अप करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। इस वीडियो में किसी भी तरह का ऐड कंटेंट नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में डालना चाहते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सैनिक स्कूल की क्वेरीज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, बार बार मेरे पर क्वेरी आती हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, नवोदय को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।